क्या आप सोच रहे हो कोई नहीं है रूम में? एग्जैक्टली। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अब हम तैयार हो चुके हैं और यहाँ रूम पे कोई नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो, सारा सामान गायब है यहाँ से। निशि बाहर चला गया, बाइक पैक कर रहा है अपनी, सर बाइक पे सामान रख रहा है, और मैं भी तैयार हूँ। चलते बाहर और देखते हैं, सूरज निकल गया है, सुबह के 6:30 बजे और हम चलेंगे बाहर। ये है जिस्पा, सो आप देख सकते हो सूरज पीछे मेरे। अब पूरा पूरी वैली दिखाऊंगा, डोंट वरी। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शो यू व्हाट आई हैव गॉट। आई हैव गॉट टू बैग्स, एक साइड दो पेयर है और ये एक सैडल बैग है। दो सैडल बैग्स को हम एक ही बोलते हैं, सैडल बैग्स। एक हेलमेट और एक मैं वो बैग लेके आया हूँ जिसमें मेरे वुलन्स है और थोड़े एक्स्ट्रा कपड़े। सो सुबह के 6:30 बजे रात को हुआ क्या कि हम आए लेट, करीब करीब 12:30 बज गए थे या थोड़ा उससे पहले लगा लो। उसके बाद जब हम लेट आए, आपने देखा हम सोने गए, मतलब अंधेरे में आपने देखा थोड़े सी वीडियोस। इसके बाद तो भैया पूछो मत, हुआ क्या हमारे साथ, हम लोग सो ही नहीं पाए रात भर बिकॉज ठंड इतनी ज़्यादा थी। टेम्परेचर शायद माइनस में चला गया था, मुझे पता नहीं चला, बट नींद नहीं आ रही थी और थोड़ा सिर में दर्द भी हो रहा था। रात भर सो नहीं पाए, रात भर गया सुबह 4 बजे, फिर 4:30 बजे में बाहर निकल के देखा उजाला हो गया। तो अब जो भी हो गया हो गया। आज 365 किलोमीटर्स टू कवर, सीम्स लाइक 300 करीब करीब। टंडी के बाद अभी 30 किलोमीटर, 330 के आसपास या 320 के आसपास है। तो वो अभी हमें जाना है यहाँ से पहले बारालाचला, यहाँ से जो पास आएगा, पहले रोहतांग आया था अब बारालाचला आएगा। और मेरे गोप्रो की बैटरीज नहीं है, चार्ज लाइट नहीं थी तो चार्ज नहीं कर पाया। सो आई विल शो यू लिटिल बिट इफ आई कैन, और एल्स हम लोग पासिस पे मिलेंगे। जहाँ भी पास पे पहुँचूंगा वहीं पर मिलेंगे डायरेक्टली। ऑलराइट, सो उससे पहले एक वैली का व्यू हो जाए। Is it too fast? Not a problem. तो पर कोई नहीं, थकान फिलहाल नहीं है, पर नींद तो खैर पूरी नहीं हुई। और कोई नहीं, इतनी एनर्जी है कि अभी पूरा दिन निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि कहाँ तक जाते हैं। लेह तक जाते हैं, तभी मैंने तुम्हारी तरफ देखा है। ओके गाइस, सो दिस इज द डे स्टार्ट ऑफ डे 3, लेट्स गो। गाइस अभी हमें जिंग जिंग बार पे, अरे भाई लोग बैठे हैं
इन्हीं का होटल है जहाँ पर हमें, क्या नाम है कैफे का आपका? कुंजुम फूड कॉर्नर। तो हमने यहाँ पर खाई मैगी, साथ में ब्रेड ऑमलेट और दो चाय और नींबूज। सब चीज़ अच्छी बनी थी। मैगी कितने की है? 50 रुपीज़। 50 की मैगी और 50 का ब्रेड ऑमलेट, चाय 20 रुपये की और नींबूज 40 का, मतलब 160। और एक निशी की भी चाय थी तो 180। अब निशी भाई यहाँ तैयार हो रहे हैं, देखो ये क्या कर रहे हो। गाइस यहाँ पे हम रुके थे, जैसे कि आपको बताया था ये इट्स डे थ्री, तो डे थ्री का यह पहला हॉल्ट था और यहाँ पे रुके जिंगजिंग बार पे। अगर आप जैसे जिसपा से चल रहे हैं, जिसपा पे यूजुअली सेकंड डे तक काफ़ी लोग हैं जिसपा से चल, जिसपा पे रुकते हैं, जिसपा से आप जैसे चलेंगे तो अपना ब्रेकफास्ट जो है वो जिंगजिंग बार पे करें। बहुत अच्छा, मतलब लोकेशन भी अच्छी है और खाना तो अच्छा है ही, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर आगे बारलाचला के लिए मूव ऑन करें। यहाँ से बारलाचला है करीब 18 किलोमीटर। ऑलराइट गाइस, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, निशी भाई ने सब बता दिया। तो अभी अपन लोग इस रोड पे चलेंगे, ये तरफ ये जाए बारलाचला को। वो मेरी बाइक, निशी की बाइक, as you know, see you on the road.